हाय फ्रेंड्स, जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है एक लेजर डायोड आपके लिए लाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपली एक डायोड है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेजर डायोड या फिर लेजर डिवाइस भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके अंदर टू वायर आप देख रहे हैं। सिंपली जो आपके पास जो एलईडी होती है, अभी आपको दिखा देते हैं। ये एक सिंपल एक एलईडी है जो कि लाइट देने पर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हम इस पे देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये लाइट प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन इसका जो फैलाव है वो सराउंडिंग में हो जाता है, चारों तरफ ये अपनी लाइट फैला देती है। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक एलईडी ही है जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, लेकिन ये लेजर डायोड है। तो लेजर डायोड कैसे वर्क करता है, एक्चुअली जैसे ही हम यहाँ पर पावर सप्लाई हम देते हैं, तो इसकी पावर सप्लाई देने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस करता है ये एक ही यूनिडायरेक्शनली लाइट्स होती है उसे आप बोल सकते हैं। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिडायरेक्शनली चलने की होती है, इसके अंदर यूनिडायरेक्शनली चलने की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये यूनिडायरेक्शनली वर्क करता है एक एरिया में, मतलब एक लेंथ के साथ अपना वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही आपने इसके अंदर पावर सप्लाई दी तो एक एक लेजर बीम प्रोड्यूस करेगा। लेजर बीम की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो काफी अधिक होगी। वो कितनी होगी ये भी हम बताने वाले। तो सिंपली आप देख रहे हैं ये एक डायोड है, ठीक है, जो कि 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आप ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से, बहुत से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो लेजर का जो मीनिंग है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमेजन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम नहीं जाने वाले, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो उसकी थ्योरेटिकल बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, लेकिन ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। गैस के भी लेजर्स होते हैं, लेकिन ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जो आज की टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो आज की टेक्नोलॉजी के अंदर जो इलाज होते हैं, मेडिकल साइंस के अंदर भी जो कैंसर वगैरह के इलाज होते हैं वो लेजर बीम से ही किए जाते हैं, या फिर वेल्डिंग भी हम आसानी से इस लेजर बीम से कर सकते हैं। लेकिन ये डायोड नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपेंड है उसकी पावर सप्लाई पर या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे। ये छोटा है, लेकिन ये लेजर डायोड एक्चुअली हमारा लाइफ आई जैसे प्रोजेक्ट, जो लाइफ आई होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं लाइट के माध्यम से, उस डिवाइस में काम में आता है। या फिर बहुत से कंपोनेंट्स हो सकते हैं या डिवाइस भी हो सकते हैं, जैसे कि लेजर सिक्योरिटी होती है उसके अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। तो यदि इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इसकी डायरेक्शन, एक्चुअली इसकी जो डायरेक्शन होती है लाइट प्रोड्यूस करने की, वो यूनिडायरेक्शनली होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये अपनी लाइट बीम प्रोड्यूस करता है, वो फैलाव नहीं करता। जैसे कि सिंपल आपकी एलईडी फैलाव कर देती है चारों तरफ, वो रूम के अंदर फैल जाती है, लेकिन इसकी जो लाइट है जो प्रोड्यूस करता है वो चारों तरफ नहीं फैलती, वो एक ही लेंथ से, एक लेजर बीम की लेंथ से ही चलती है। ठीक है, वो डिस्टेंस एक्चुअली इसकी जो डिस्टेंस है, यदि इस डायोड के लेजर की हम बात करें तो आप 650 nm तक इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इससे भी अधिक आप कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड है। या फिर आप साधारण तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, आप 4.5 किलोमीटर तक आसानी से इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी लेजर बीम को पहुंचा सकते हैं आपसे जहां से रखा जाएगा, मतलब यूज होगा उसके उस पॉइंट से, जो दूसरा पॉइंट होगा ये 4.5 किलोमीटर तक अपनी लेजर बीम को पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड होना चाहिए, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं एटमोसफेयर के अंदर, तो वो डिपेंड है आपके जो एटमोसफेयर उसके अंदर कोई कण वगैरह ना हो। ठीक है, यदि कण वगैरह है तो जो लेजर बीम है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, इंटरप्ट होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे कि वो 4.5 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाती। तो आप आसानी से 2 से 3 किलोमीटर तक आसानी से पहुंचा सकते हो एक लेजर बीम को। तो बहुत से प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हो। तो अभी देख लेते हैं, एक बार ग्लो करते हैं। तो अभी इसमें टू वायर्स आप देख रहे हैं, वन और वन। ठीक है, ये रेड और ये व्हाइट है। तो इसके अंदर एक बैटरी हमें लेनी होगी, आप 5 वोल्ट दे सकते हैं, हम भी यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये अभी देख रहे हैं आप एक बीम ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये बीम एक्चुअली इसकी रेंज काफी अधिक है, वो डिपेंड है आपके एटमोस्फेयर कंडीशन में या फिर ऐसे स्पेस में जहां पर आप यूज करने वाले हैं। तो